आज की वीडियो का सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। जनरली अभी तक मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज ही पोस्ट कर रहा था, बट जो आज वीडियो है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग मेरा जॉब प्रोफाइल है, बट अगर आप मेरी हॉबी की बात करें तो वो काफी कुछ ऑटो इंजीनियरिंग, ऑटो इंडस्ट्री, कार एंड बाइक्स, न्यू लॉन्चिंग, स्पेसिफिकेशन, इन सब पर मैं जो काफी मुझे अपडेट रखता हूँ। मुझे बड़ा शौक है इन चीजों का अपडेट रखना, तो आज की वीडियो उसी पर है। दोस्तों अगर हम बात करें आजकल या पिछले दो तीन साल से जो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला है ऑटो इंडस्ट्री में, वो ये है कि हम लोग, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग, जनरल पब्लिक आजकल कोई भी गाड़ी लेने से पहले उसका सेफ्टी फीचर्स जरूर देखते हैं कि उसमें ABS है, एयरबैग है। अब तो गवर्नमेंट ने भी काफी रूल्स चेंज कर दिए हैं, जो आगे वाले नए साल से जो भी मॉडल आएंगे उनमें ABS और एयरबैग स्टैंडर्ड है, और ऑलरेडी कई कंपनियों ने शुरू कर दिया है, बेस मॉडल में ही वो ABS और ड्यूल एयरबैग देना शुरू कर दिए। इसके अलावा दोस्तों एक आपने एक और कंसेप्ट जरूर सुना होगा सबने कि अभी जैसे लास्ट कुछ दिन पहले एक न्यू रिपोर्ट आई है, ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्टिंग रिपोर्ट, तो वो स्टार रेटिंग करती है गाड़ियों के लिए 0 से लेकर 5 तक, बिल्कुल आप सबने सुना होगा। तो एक्चुअली ये है क्या, ये क्या एजेंसी है, कैसे काम होता है और इस रेटिंग्स का क्या मतलब है, और जो ये पिछले टॉप 20 इंडियन कार्स की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये NCAP क्या है दोस्तों? ग्लोबल NCAP एक UK बेस्ड इंडिपेंडेंट कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये करते क्या है, इनका मोटिव क्या है, ये कहते हैं, मैंने उनके आपको मैं थोड़ा सुनाता हूं वो क्या कहते हैं। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक सेफ्टी फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये दो तरह से काम करते हैं, प्रमोटिंग एंड कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड टेस्टिंग प्रोग्राम दैट विल असेस द सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टर ऑफ द मोटर। दूसरा, आल्सो दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर द मोटर व्हीकल्स। और जनरली दोस्तों ये दो तरह के टेस्ट की रिपोर्ट हमें देते हैं, पहला है कार ड्राइवर या पैसेंजर सेफ्टी, दूसरा है चाइल्ड ओकोपेसी सेफ्टी। और जो हम आपको 2018 की जो रिपोर्ट आई है टॉप 20 इंडियन कार्स की, इसमें जो मेरे पास टेस्टिंग रिपोर्ट है वो है कार पैसेंजर ड्राइवर सेफ्टी के ऊपर। तो इनकी टॉप 20 कार्स की हम आज बात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे फेसबुक पेज कुछ तेरी बात कुछ मेरी बात में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें 5-स्टार रेटिंग गाड़ी है, जो इंडिया के टॉप सेफ्टी जिसको हम कहते हैं, वो उसके उसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक गाड़ी का नाम आया है और वो है टाटा। बिल्कुल दोस्तों, टाटा की टाटा नेक्सन 5-स्टार रेटिंग लेकर आई है गाड़ी है। इवन अगर आप अपडेट रखते हो तो महिंद्रा ने भी, जो कि महिंद्रा ग्रुप के मालिक है, उन्होंने भी कॉन्ग्रेट्स किया है टाटा मोटर्स को इस अचीवमेंट के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस रेटिंग का, इस 5-स्टार रेटिंग का क्या मतलब है। तो नंबर 1 पे टाटा 5-स्टार रेटिंग के साथ, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नंबर महिंद्रा की जो नई MPV लॉन्च हुई है मराजो, 4-स्टार रेटिंग है उसकी। अगर इनके साथ चाइल्ड सेफ्टी की रेटिंग की बात होती तो जनरली उनका 1 या 1.5-2 पॉइंट कम रहता है। अगर वो 5-स्टार थी, अगर चाइल्ड सेफ्टी की बात करेंगे तो 4 या 3 तक रहती है, वो जनरली उनका कम ही रहता है। खैर, नंबर 3 टोयोटा ATS, वो भी 4-स्टार रेटिंग है। टाटा जेस्ट, टाटा की गाड़ी वैसी हैवी रहती होगा तो सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है वहां ज्यादा। मारुति ब्रीजा 4-स्टार रेटिंग, मारुति की ज्यादातर गाड़ियां आज तक फेल ही होती रही हैं, बट फर्स्ट टाइम ये मारुति ब्रीजा 4-स्टार रेटिंग है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मास स्केल पे गाड़ी बिकती हैं ये। वॉक्सवैगन पोलो, ये तो शुरू से मुझे मालूम था कि ये गाड़ी वाकई ही सॉलिड है, 4-स्टार रेटिंग है। इसके बाद 3-स्टार रेटिंग की बात करते हैं, उसमें नाम आता है सबसे ऊपर फोर्ड एस्पायर। 3-स्टार रेटिंग मतलब ना अच्छा है ना बुरा है, एवरेज मान सकते हैं। उसके बाद है होंडा मोबिलियो, जो कि 7-सीटर लंबी गाड़ी है, 3-स्टार रेटिंग। रेनॉल्ट डस्टर, दोस्तों रेनॉल्ट डस्टर ने बड़ा, आप उसकी लुक देखो, उसका ओवरऑल उसको देखो तो बड़ी हैवी गाड़ी है, सॉलिड लुक लगती है, उसके बावजूद भी 3-स्टार रेटिंग नहीं, ये ठीक नहीं है।
उसके बाद देखते हैं टू स्टार रेटिंग में किसका नाम आता है, मारुति स्विफ्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डिसअपॉइंट करती है ये बात, सबसे ज्यादा ओवरऑल बहुत ज्यादा बिकती है मारुति स्विफ्ट, और उसकी रेटिंग देखिए टू स्टार, मरने वाला काम है ये गाड़ियां खरीद कर। मैं यहाँ किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो प्रेस रिपोर्ट आई है उसके बेस पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। रिनॉल्ट क्विड आजकल काफी बिक रही है, छोटी गाड़ियों में काफी अच्छी अब अपनी पहचान बना ली है, इसकी रेटिंग है वन, वन हुआ टू हुआ जीरो हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप बुरा ही मानेंगे, बिल्कुल कम है रेटिंग ये। उसके बावजूद दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, जो आगे कुछ गाड़ियों के नाम लेने वाला हूं, मास स्केल पे बिकती है इंडिया में, उन सबकी रेटिंग जीरो है, मारुति गाड़ियां इसमें सबसे ज्यादा है। उनमें नाम आता फोर्ड फीगो, ये भी एक फोर्ड फीगो डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि देखने में ये भी एक हैवी गाड़ी है, मैंने खुद चलाई है, बट जीरो रेटिंग आई है तो डिसअपॉइंट मैं बहुत हुआ हूं। मेरे पास फोर्ड फिएस्टा भी थी पहले, वो भी एक हैवी गाड़ी थी, आजकल बंद हो गई है। उसके बाद मारुति की इको, वो जो वैन टाइप गाड़ी है उसकी जीरो रेटिंग है। ह्युंडई इओन उसकी जीरो है, वैसे डिसकंटिन्यू हो रही है गाड़ी, इसकी जगह नई सेंट्रो लॉन्च हो गई है। मारुति अल्टो जीरो रेटिंग, सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी और इसकी रेटिंग देखिए जीरो, क्या होगा दोस्तों। मैं गाड़ी का ऐसा नाम लेने जा रहा हूं आप यकीन नहीं करोगे, मैं जी भी यकीन नहीं आया था बट ये सच है, महिंद्रा स्कॉर्पियो जीरो रेटिंग है इस गाड़ी की। आप उस गाड़ी की लुक देखिए कितनी हैवी गाड़ी, उसके बावजूद भी उसमें सेफ्टी के नाम पे आप, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल हैरान हूं मैं सुनकर ये। और सेफ्टी के अलावा ये गाड़ियां बड़ी अनस्टेबल भी है, जितनी मार्केट इंडियन मार्केट में जो गाड़ी है उनमें अगर अनस्टेबल गाड़ी की बात करें, जो कि ज्यादा एकदम से जर्क करने पर जो पलटी खा जाती है, तो उसमें स्कॉर्पियो का नाम सबसे ऊपर आता है। अब देखिए गाड़ी में जो फिल्मों में जो गाड़ियां एकदम से पलटी मारती हैं वो कौन सी हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, आपको अपनी बात का जवाब जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। रिनॉल्ट लोडगी ये भी अभी नई लॉन्च हुई थी, कुछ ज्यादा नहीं चली है, स्टिल इनोवा जैसी टैक्सी टाइप में ज्यादा चल रही है, इसकी भी रेटिंग जीरो है। डेटसन गो वो भी जीरो रेटिंग है। मारुति की एक और गाड़ी है लास्ट में जिसका नाम रेटिंग जीरो हुई है, वो है मारुति सेलेरियो, जीरो रेटिंग है इस गाड़ी की। मारुति अपनी गाड़ियां हल्की करता जा रहा है रेट कम करके, और दिखा देता है कि एवरेज हमारी अच्छी है, जबकि वो वेट कम होने की वजह से एवरेज है, इंजन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं। तो दोस्तों ये हमने देखना है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, जबकि मेरा इतने मेरा फील्ड नहीं है ये, फिर भी वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग जो कोई भी गाड़ी लेने से पहले उसका सेफ्टी रेटिंग क्या है वो जरूर देखें, थ्री से ऊपर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थ्री तो चाहिए ही चाहिए, फोर तक मिल जाए ठीक है, अगर फाइव में आपको टॉप मॉडल लेना पड़ रहा है, अगर वहीं थोड़ा सा फोर रेटिंग लेने पर आपको कुछ अमाउंट बच रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चल सकता है, पर थ्री से ऊपर होना चाहिए रेटिंग, इस बात का आप ख्याल रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काम आई होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।